अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद होगी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम रेसिपी बनाएंगे, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, कॉफ़ी। आज मैं कॉफ़ी बनाऊंगी और कैपेचिना कॉफ़ी बनाएंगे, बिल्कुल इजी, सिंपल और 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी, ठीक है? जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स देख लें। दूध चाहिए होगा, सॉरी, क्रीम, दूध, 1 से 2 टीस्पून पानी चाहिए होगा, 1 टीस्पून चीनी और कॉफ़ी का शाशे। ये देखिए गाइस, मैं कॉफ़ी कप में डाल रही हूँ, सारी कॉफ़ी डाल रही है क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग पसंद करती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लें। ये मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टीस्पून होगी, ठीक है, 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही पानी जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको शेक करूंगी, शेक 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 शेक, इसको मैं शेक करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैं कॉफी को शेक कर रही हूँ अच्छे से, इसका रंग चेंज होना शुरू हो गया है। अभी तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे, ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, कलर चेंज हो रहा है कॉफ़ी का, ठीक है? वैसे तो कॉफ़ी बनाने के लिए वो कॉफ़ी बीटर होता है, उससे कॉफ़ी बनती है, लेकिन जैसे कि हकीकत जो है, मेरे पास भी कॉफ़ी बीटर नहीं है और मैं कॉफ़ी लवर हूँ, तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ। मेहनत होती है, लेकिन एक अच्छी चीज़ बन जाती है तो इंसान क्यों ना बना ले। ये देखिए गाइस, इतनी फ्लफी हो गई है कॉफ़ी, मतलब हाफ डन हो गई है कॉफ़ी। इसको भी मैं और मिक्स करूँगी, इसको और अच्छे से मैं ऐड मिक्स करूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कॉफ़ी कैसे ऐड करनी है मिल्क के अंदर। ये देखिए गाइस, कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं ये दूध बॉईल कर रही हूँ, ठीक है? इसमें मैं चीनी कुछ भी ऐड नहीं करी, सिर्फ अच्छा, ये 1 कप मैंने मिल्क डाला है, अभी 1 कप और मैं डालती हूँ, ठीक है? ये प्लेन मिल्क है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाद में मैं बताती हूँ। ये देखिए गाइस, 1 कप और मैं दूध का ऐड कर रही हूँ, ठीक है? 2 कप कॉफ़ी बनेगी, और ये देख लें एक दफ़ा, ये देखिए कितना फ्लफी, और इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए हैं आप? अभी आगे बताती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, दूध बॉईल हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद पका के फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, अब मैं कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ कप में, ठीक है? कॉफ़ी डन हो गई, ऐसी ये मिक्सचर होना चाहिए। अब कॉफ़ी ऐड कर ली मैंने कप में, अब इसके ऊपर मैं दूध डाल दूँगी, ठीक है? ये देखिए गाइस, मैं दूध ऐड करने लगी हूँ, अब देखें आप, ठीक नहीं डला, सॉरी, फिर से। ये देखिए गाइस, मैं दूध ऐड कर रही हूँ, ठीक है? मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसा भी है भाई, जो भी है, अच्छी चीज बनी है बुरी चीज बनी है आपके सामने है। अच्छी बनेगी मैं तब भी बताऊंगी, बुरी बनेगी तब भी बताऊंगी, मिस्टेक्स होंगी मैं तब भी दिखाऊंगी। दूध की शर्त है कि ऊपर से डालना है, ठीक है? इसलिए मेरा दूध थोड़ा सा गिरा, लेकिन कोई बात नहीं। ये 1 कप आपको 500 का बाहर से मिलेगा। ये देखें आप, झाग देखें इसकी, देख रहे हैं आप? अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी। ये देखिए गाइस, मेरी कॉफी, इसकी देख लें आप, झाग कैसे बनी है, ठीक है? बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट है, एक भी मतलब बाहर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाई है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन चीज़ अच्छी बनती है। और अगर आपको मेरी कॉफ़ी अच्छी लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाइव लाइफ मिशी खान। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।